बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इतना ही नहीं, कई सितारे तो एक ही स्कूल में रहकर पढ़ाई भी कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे उन सितारों के बारे में जिनकी स्कूल टाइम से थी अच्छी दोस्ती, लेकिन करियर बनाने की होड़ में राहें अलग हो गईं। हर किसी की जिंदगी में दोस्त बेहद अहम होते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती, मजाक और छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो ही जाती हैं। और अगर बात करें बॉलीवुड के सितारों की, तो ऐसे कई स्टार्स हैं जिनकी स्कूल टाइम में अच्छी दोस्ती थी और बड़े होने के बाद इन सभी सितारों की राहें अलग हो गईं। वरुण धवन और अर्जुन कपूर साथ में पढ़ाई कर चुके हैं। इन दोनों सितारों ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में एक साथ क्लासेस ली हैं। साथ में पढ़ाई करने के बाद दोनों सितारों ने एक ही साल अलग अलग फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। जहां वरुण ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया, तो वहीं अर्जुन कपूर को इशक ज़ादे मिली। वरुण तो इंडस्ट्री में जम गए, लेकिन अर्जुन अब भी सुपरहिट फिल्मों की तलाश में हैं। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में श्रद्धा कपूर ने एडमिशन लिया था। इस स्कूल में टाइगर श्रॉफ पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे। टाइगर बचपन में श्रद्धा कपूर को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन कभी दिल की बात नहीं कह पाए। करियर के मामले में श्रद्धा कपूर टाइगर श्रॉफ से सीनियर हैं। बीते 10 साल से श्रद्धा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो वहीं टाइगर श्रॉफ ने काफी कम समय में अपनी एक नई पहचान बना ली है। ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। अपनी फिल्म कहो ना प्यार है के हिट होने के बाद ऋतिक बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए, तो वहीं फिल्म मोहब्बतें की छप्पर फाड़ कमाई करने के बाद भी उदय चोपड़ा इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाए। करण जौहर और ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर और ट्विंकल खन्ना ने भी एक ही स्कूल में साथ पढ़ाई की है। करण और ट्विंकल न्यू एरा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। खास बात यह है कि करण और ट्विंकल की माएँ भी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। करण जौहर तो एक बड़े फिल्म मेकर बन गए, तो वहीं शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। सलमान खान और आमिर खान। आमिर खान और सलमान खान दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। आमिर ने बचपन से ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, तो वहीं सलमान खान ने भी काफी समय बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और आज दोनों ही सितारों की अपनी एक अलग पहचान है। डैनी और जया बच्चन। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के जाने माने विलेन डैनी और जया बच्चन एक ही साथ पढ़े हुए हैं। इन दोनों ने FTII में एक साथ एक्टिंग की क्लासेस ली थी। बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वहीं कोर्स खत्म होने के बाद जया बच्चन मशहूर अभिनेत्री बन गई, तो वहीं डैनी को फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाने को मिले। ऐसे में डैनी ने एक विलेन के तौर पर अपनी फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट लाइफ की रिपोर्ट।